नमस्कार, मुँ कविता कविता सोड़िया फूड को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। मुँ आज बनईबी रोही माछ झोल। जदि आपण को यह रेसीपीटी भल लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। चलतु देखा रोही माछ झोल कौन कौन सब सामग्री नहीं। गोटे के जी रोही माछ को एमती काटिक सफा करनोटी बड़ साइज्र पिज को छोट छोट कर गोटे टमाटो को काटि नहीं। हाफ स्पून हल्दी पाउडर, गोटे स्पून जीरा, गोटे स्पून पान मधुरी, गोटे स्पून सोरिष, खंडे अदा 20-25 टी रसुण कोला, 5-6 टी सुखिला लंका, स्वाद अनुसार लुण नहीं, आ गोटे कप सोरिष तेल, 8-10 टी भृसंग पत्र नहीं। चलतु स्टार्ट करिबा आज रेसीपी। प्रथमे आमे ग्राइंडिंग जार गोटे स्पून सोरिष पकेबा, हाफ स्पून जीरा पकेबा, 5-6 टी सुखिला लंका को पकेबा, 20-25 टी रसुण कोला को पकेबा, गोटे खंड अदा पकेबा, हाफ स्पून हल्दी पाउडर पकेबा एवं एथिरे अल्प पानी दे एहाकु ग्राइंडिंग करिनेबा। देखंतु मु एठी मसाला को पूरा ग्राइंड करिकि पेस्ट करि नै छी। एबे आमे एहाकु गोटे बाउल को बाहर करि देबा। पुणी आमे सही जारे काटि नै थिबा पियाज को पकेबा एवं आमे काटिकि नै थिबा टमाटो को पकेबा एवं एथिरे अल्प पानी दे यार पेस्ट करिनेबा। देखंतु मु एठी पियाज आ टमाटो रो पेस्ट बनै नै छी। एबे आमे याहाकु पुणी गोटे बाउल को बाहर करिनेबा। देखंतु आमर एठी दुईटी जाक मसाला रो पेस्ट पूरा प्रस्तुत हो जाइ छी। एबे आमे याहाकु साइड करिके रखि देबा। एबे आमे कढ़ई रे 4-5 स्पून सोरिष तेल पकेबा एवं तेल को किछि समय गरम हेबा पई छाड़ी देबा। एबे आमे माछर गोटे स्पून हल्दी पाउडर पकेबा एवं हल्दी पाउडर सहित माछ को भलो भाबे गोळई नेबा। देखंतु आमर एठी तेल पूरा पूरी गरम हो जाइछि। एबे आमे हलदी सहित गोळे नैथिबा माछ को एथिरे छाणीबा पई पकेबा। देखंतु मु एठी सब माछ पीस को फ्राई करिबा पई पकेइ दैछि। एहा को आमे एबे किछि समय फ्राई हेबा पई छाडी देबा। माछ एबे अल्प फ्राई हो जाइछि। एबे आमे एहा को आर साइड को लेउटै देबा। माछ को फ्राई कला बेले गैस रो फ्लेम मीडियम रखिबे जहाँ फल आमर माछ भलो भाव फ्राई हे। यह अधिका समय फ्राए करिबे नि, अल्प समय फ्राए करिनकि बाहर करिनेबे। देखंतु मु एठी सब माछ को आर साइड को लेउटै दैछि। एहा को आमे एबे आउ 2 मिनट पई फ्राए करिनेबा। पुणी थारे आमे सब माछ पीस को आर साइड को लेउटै नेबा। देखंतु आमर एठी माछ पूरा पूरी फ्राई हो जाइछि। एहा को आमे एबे केयरफुली गोटे प्लेट को बाहर करिनेबा। देखंतु मु एठी सब माछ को फ्राई करिके बाहर करि नै छी। पुणी आमे एही भली भाबे बाकी सब माछ को फ्राई करिनेबा। देखंतु मु एठी सब माछ को पूरा भलो भाबे फ्राई करि नै छी। एहा को आमे एबे साइड करिके रखि देबा। एबे आमे माछ को फ्राई करी नहीं थी बा तेल रे गोटे स्पून सोरिष पकेबा, हाफ स्पून पान मधुरी पकेबा, काटि नहीं थी बा पियाज को पकेबा एवं पियाज को गोल्डन ब्राउन कलर हेला पर्यंत फ्राई करी नेबा। देखंतु आमर पियाज एबे पूरा पूरी फ्राई हे कि गोल्डन ब्राउन कलर हे गेलानी। आगरु आमे बने कि रखीतिबा मसाला पेस्ट को एथिरे ऐड करी नेबा। मसला को आमे 2-3 मिनट पई रोस्ट करिनेबा। देखंतु आमर एठी मसला अल्प रोस्ट हो जाइछि। एबे आमे बनै कि रखीतिबा पियाज आ टमाटर पेस्ट को एथिरे ऐड करि देबा।
ଏହାକୁ ପୁଣି ଆମେ ଏବେ 5-7 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଏମିତି ରୋଷ୍ଟ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ପୁରା ପୁରି ମସଲା ପୁରା ରୋଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଗୋଟେ କପ୍ ଗରମ ପାଣି ଆଡ୍ କରିନେବା। ଆପଣ ମାଛର ଜୁସ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେହିଭଳି ଭାବେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅନୁସାରେ ପାଣି ଆଡ୍ କରିନେବେ ଏବଂ ପାଣି ଆଉ ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ପାଣିକୁ ଆମେ କିଛି ସମୟ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମାଛ ଝୋଳ ଏବେ ଅଳ୍ପ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ଏଥିରେ ଆମେ ଏବେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇବା ଏବଂ ଏହାକୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ଝୋଳ ପୁରାପୁରି ଫୁଟି ଯାଇଛି। ଆମେ ଏବେ ଏଥିରେ ଫ୍ରାଏ କରି ରଖିଥିବା ମାଛକୁ ପକାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଫ୍ରାଏ କରି ରଖିଥିବା ସବୁ ମାଛକୁ ଝୋଳରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଏହାକୁ ଆମେ ଏବେ 10-15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କୁକ୍ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ଆମେ ମାଛ ଝୋଳରେ 2 ପିସ୍ ଆମ୍ବୁଲ ପକାଇବା। ଆମ୍ବୁଲ ପକାଇବା କମ୍ପଲସରି ନୁହଁ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପକାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନ ପକାଇଲେ ବି ଚଳିବ। ଏବେ ଆମେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ପକାଇବା। ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇକି ବେଶୀ ସମୟ କୁକ୍ କରିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ମାଛ ଝୋଳ ପୁରାପୁରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିନେବା। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଆମର ରୋହି ମାଛ ଝୋଳ। ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ।